बचपन से आप सबको ये दो वर्ड जरूर पता है, एक है राम एक है श्याम। ये तो जरूर पता होगा क्योंकि ये हमारा आराध्य है। ओके, क्या आप जानते हैं ये दो शब्द इंग्लिश में भी है लेकिन इनका मतलब कुछ दूसरा है। ओके, चलिए जानते हैं इस वीडियो में राम और श्याम का मतलब इंग्लिश में क्या होता है। चलिए सीखते हैं राम का मतलब इंग्लिश में क्या होता है। वेल, दिस वर्ड राम, इनफैक्ट दिस वर्ड कैन बी यूज्ड बोथ एज वर्ब एंड नाउन। पहले जानते हैं राम का वर्ब का मतलब क्या होता है। सो इट मींस व्हाट, राम मींस टू रन और ड्राइव इनटू समथिंग वेरी हार्ड, और वी कैन से क्रैश इनटू समथिंग और व्हीकल विद अ लॉट ऑफ फोर्स। हिंदी में कह सकते हैं बड़ी जोर से धक्का देना और जानबूझकर दूसरी गाड़ी से टकराना। आई मीन क्रैशेस इनटू अ व्हीकल विद अ लॉट ऑफ फोर्स। ओके, ये है राम का वर्ब मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज ट्रक एंड रैम्ड इनटू अ कार किलिंग टू पीपल। ओके, आई रिपीट वंस मोर, द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द ट्रक एंड रैम्ड इनटू अ कार किलिंग टू पीपल। इनफैक्ट द वर्ड राम हैज वन मोर मीनिंग एज अ वर्ब। ओके, सो इन दिस मीनिंग वी कैन से टू पुश समथिंग विद फोर्स। आई रिपीट वंस मोर, टू पुश समथिंग विद फोर्स, जैसे हमें हिंदी में कह सकते हैं कसकर दबाना और ठूंसना पेलना। ओके, लाइक दिस काइंड ऑफ मीनिंग। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं ही रैम्ड द स्वीट्स इनटू हिज माउथ, ही रैम्ड द स्वीट्स इनटू हिज माउथ। ओके, इसी तरह और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ही रैम्ड द की इनटू द लॉक एंड ओपन द डोर। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ही रैम्ड हिज क्लदिस इनटू अ सूटकेस। ओके, सो दीज आर द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड राम आई यूज एज ए वर्ब। अब चलिए सीखते हैं ये राम का सिमिलर मीनिंग और सेनोनिम क्या होगा। ओके, राम का सेनोनिम होगा वी कैन से रन इनटू, वन मोर विल बी कोलाइड, अनदर वन विल बी बम्प इनटू, वन मोर विल बी क्रैश इनटू, वन मोर विल बी बैंग इनटू, वी कैन से स्लैम इनटू, नॉक अगेंस्ट, डैश अगेंस्ट। ये सारे राम का सेनोनिम और सिमिलर वर्ड। अब चलिए सीखते हैं राम का नाउन मीनिंग क्या है। राम का नाउन मीनिंग का मतलब है अ मेल शिप। ओके, अ मेल शिप। अब चलिए सीखते हैं श्याम का मीनिंग। श्याम एक एडजेक्टिव है, इट मींस नॉट जेन्यून और वी कैन से फॉल्स, आई मीन हिंदी में कह सकते हैं बनावटी, ढोंग। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं हिज लव फॉर हर वॉज ए श्याम, आई मीन हिज लव फॉर वॉज अ फेक वन। ओके, और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं द डील वॉज अ श्याम, आई मीन द डील वॉज नॉट जेन्युइन वन। ओके, वी कैन से इट वॉज ए श्याम मैरिज। वन मोर एग्जाम्पल, इट वॉज ए श्याम मैरिज, दैट मीन्स इट वॉज अ फेक मैरिज, इट वॉज ए फॉल्स मैरिज। सो श्याम मीन्स वॉट, समथिंग दैट इज नॉट जेन्युइन और इज नॉट वॉट इट अपियर्स टू बी, आई मीन समथिंग दैट इज नॉट रियल। हैव यू मेड दैट क्लियर? सो श्याम का सेनोनिम आई मीन सिमिलर वर्ड होगा, वन सिमिलर मीनिंग वी कैन से फिंड, सेकेंड वन विल बी फेक, वन मोर विल बी वी कैन से हॉक्स, अनदर वन विल बी प्रिटेंस, नेक्स्ट वन विल बी नो फर्जरी और वी कैन से काउंटरफिट। ओके, so these are the and one more will be false. So these are the synonym of the word श्याम। अब चलिए सीखते हैं श्याम का एंटोनिम क्या होगा। तो श्याम का एंटोनिम होगा वन विल बी रियल, सेकेंड वन विल बी जेन्युइन, थर्ड वन विल बी लेजिटमेट, फोर्थ वन विल बी ऑथेंटिक, नेक्स्ट वन विल बी बोनाफाइड। सो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड श्याम। सो आप सभी को राम भी पता था, आप सभी को श्याम भी पता था। So, आज के इस वीडियो में हम राम और श्याम का इंग्लिश में कई सारे मीनिंग हम सीखे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेसन। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में कुछ नए एक्सप्रेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग एंड कीप लाफिंग।